ये रिप्लेसमेंट वाला लगा दिया इसके अंदर, वेलकम लाइट जो हमारी आती है देखोगे तो रूफ रैप कर रहे हैं भाई, एवरी डेनिसन की कर रहे हैं। गोल्डन सीरीज की डैम्पिंग है वो हमने इसके अंदर इंस्टॉल करी है, तो पूरे रूफ पे भी जो है डैम्पिंग हो चुकी है कंप्लीट। कार्डी की लगा रहे हैं भाई, सिम्फनी K4 देख लो। ये रूफ रेल्स इस मॉडल में नहीं आते हैं, तो भाई ने कुछ चमत्कार करा इसमें, फर्स्ट टाइम इन इंडिया पूरा जो रूफ रेल नट बोल्ट वाला है सारा इंस्टॉल हमने करा। थीम देखो किस तरीके से आ रही है पूरी फ्लोटिंग के अंदर, K4 सीरीज का मजा जो है ना वो यही है पूरा। बैक टू माय YouTube चैनल, मैं हूं अमन, आप देख रहे हैं कार म्यूटर्स। आज आपको हम जो चीज दिखाएंगे वो है भाई ग्रैंड विटारा के अंदर पूरी रूफ डैम्पिंग, फ्लोर डैम्पिंग पहले वाली वीडियो में दिखा चुके हैं, अभी रूफ डैम्पिंग आप लोगों को दिखाएंगे। और क्या दिखाएंगे? K4 इंडिया सेट लग रहा है 18 पीस K4 छत ब्लैक हो रहा है, ओरिजिनल रूफ रेल लग रही है, ओरिजिनल रूफ रेल लगेगी भाई नट वाली, फर्स्ट टाइम इन इंडिया इसके अंदर। और छोटा मोटा काम वैसे होगा, ऑटोमेटिक वेरिएंट है भाई। और ये है भाई हमारा ग्रैंड विटारा का ऑटोमेटिक वेरिएंट, और इसके अंदर डिस्प्ले पहले से आती है, तो एंड्रॉइड का काम नहीं करेंगे। लेकिन जो चीज़ें नहीं आती इसके अंदर, देखो डोर लेदर भी इसमें लगा हुआ आता है पहले से, तो जो चीज़ नहीं आती भाई रूफ डैम्पिंग जो कंपनी से नहीं आती, डोर्स डैम्पिंग जो कंपनी से नहीं आती, वो चीज़ हम इंस्टॉल कर रहे हैं। वाटर फोल्डिंग रिले तो इसमें जरूरत नहीं, क्योंकि वाटर फोल्डिंग तो होती है इसमें, होता है रिले बेस मॉडल में नहीं होता, और इस बेस से ऊपर वाले में भी नहीं होता। हाँ तो इसमें तो जरूरत नहीं है उसकी, और क्या लग सकता है इसके अंदर? बाकी वेलकम लाइट ओरिजिनल पूरा चेंज पार्ट लग रहा है। ठीक है भाई, ये रिप्लेसमेंट वाला लगा दिया इसके अंदर, वेलकम लाइट जो हमारी आती है सिल प्लेट जिसको कहते हैं भाई नेक्सा की ओरिजिनल, वो वहाँ पे भी इंस्टॉल हो रही है, देख पाओगे भाई खुला पड़ा है, तो ओरिजिनल पार्ट सारे जो इंस्टॉल हो रहे हैं। डोर वाइजर लगे हुए थे, लगाए हैं, लगे हुए थे, अपने पास चाहिए तो मिल जाएगा। क्या डिस्काउंट है भाई? 10% जो मिलता है, 10% मिल जाएगा। पार्सल ट्रे मिल जाएगी 1800 रुपए की, बूट लैम्प मिल जाएगा, बेस मॉडल का सब मिल जाएगा, बेस मॉडल के लिए टॉप में आता सब कुछ अपने पास में सब मिल जाता है भाई यहाँ पे। बेसिकली आप देखोगे तो रूफ रैप कर रहे हैं भाई, एवरी डेनिसन की कर रहे हैं, पहले रूफ रैप करेंगे, फिर होल होने वाला जो होता है टॉप मॉडल के अंदर रूफ रेल वो हम इसके अंदर इंस्टॉल करेंगे। अभी रूफ रैप की जो है तैयारी चल रही है भाई, रूफ रैप होगा इसमें एवरी डेनिसन का, ग्लो पंकी 2.0 की थिकनेस वाली जो गोल्डन सीरीज की डैम्पिंग है वो हमने इसके अंदर इंस्टॉल करी है, इधर भी करी है, पूरे रूफ पे भी करी है, आप देख पाओगे भाई, तो पूरे रूफ पे भी जो है डैम्पिंग हो चुकी है कंप्लीट हमारी, तो वो करेंगे। और K4 की अल्ट्रा एम्बियंस लाइट लगाएंगे, तो सीट कवर इसमें आएगा, जरूरत फैब्रिक है वैसे लगेगा भाई, इसमें सीट कवर भी लगेंगे, तो जो चीज़ लगने की है भाई वो चीज़ पूरी लगाएंगे। कार्डी की लगा रहे हैं भाई, सिम्फनी K4 देख लो, ये बॉक्स होता है ओरिजिनल बॉक्स की पहचान ये है, तो ये जो है हम इसके अंदर इंस्टॉल करेंगे ओरिजिनल वाला। एमएस लाइट डोर में लग चुकी है, पैनलों में सब में लग चुकी है, देख पाओगे वायरिंग जो जा रही है डोर्स में लग चुकी है, फंस चुकी है, बस ये है कि भाई जब रेडी हो जाएगी फिर आपको पूरी कंप्लीट करके दिखाता हूँ। स्टीयरिंग चेंज करके टॉप मॉडल का लगा देंगे इसमें, देख लो, मतलब टॉप मॉडल का स्टीयरिंग लगाएंगे, स्टीयरिंग रैप कर रहे हैं इसमें, ठीक है। बेस मॉडल होता तो स्टीयरिंग चेंज करते, इसमें स्टीयरिंग रैप होएगा जो टॉप मॉडल के, टॉप मॉडल से भी ऊपर लेवल पे करेंगे, जिगजैग करेंगे। टॉप मॉडल में भी जिगजैग नहीं आता इसमें, पर हम जिगजैग करेंगे जो ह्यूंडई और किया देती है अपनी गाड़ियों के अंदर। अलॉय व्हील किसी को चाहिए तो भाई के पास मिल जाएंगे, अलॉय व्हील भी यहाँ पे अवेलेबल रहते हैं बेस मॉडल के। हाँ सीट कवर एयरबैग वाला लगेगा, एयर वाले बन के लगेंगे इसके अंदर, साइड में एयरबैग आता है, ठीक है, इसके अंदर एयरबैग रेडी करना पड़ेगा, अब 4-5 घंटे का टाइम लेकर आइएगा, ठीक है। और विटारा आपके पास होगा, विटारा के लिए और हाई राइडर के लिए, बाकी भाई ये अपनी छत है पूरी की पूरी खोल के, यहाँ पूरी छत खुली हुई है। हाँ डैम्पिंग होने के बाद, ठीक है, आप लोग देख पाओगे भाई लुक कैसा आ रहा है, डुअल टोन अभी हुई नहीं है कम्प्लीट, और एक बार गाड़ी का लुक देख पाओगे बिल्कुल एनहांस हो चुका है। अब रूफ रैपिंग जो है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे, और पूरी गाड़ी जो है कम्प्लीट हो जाएगी भाई बहुत जल्दी, ये देख पाओगे भाई किस तरीके से पूरा काम चल रहा है, हॉटगन वोटगन सब यहाँ पे जो है आप लोगों को चीज़ें देखने के लिए मिलेगी। मोस्टली काम जो है डन हो चुका है, अभी सबसे पहले आते हैं भाई रूफ रैप की क्वालिटी देख पाओगे, एवरी डेनिसन जो आप देख रहे थे इससे पहले कि भाई किस तरीके से इंस्टॉलेशन की जा रही थी, और यहाँ देख पाओगे भाई फिनिशिंग किस तरीके से आती है, पूरी जो है रैपिंग करके रेडी करी गई है, कहीं से आप लोगों को ऐसा नहीं लगेगा कि भाई रैप हो रखी है, क्वालिटी वाइज देखो बिल्कुल टॉप मॉडल में जैसे आती है डुअल टोन सेम वैसी आप लोगों को मिलेगी बनी हुई। और रूफ चेकआउट कर पाओगे भाई कितनी ज़बरदस्त तरीके से रेडी करी गई है, और बहुत ही बढ़िया लग रही है, अभी डस्ट भी आ चुकी है क्योंकि काफ़ी पहले काम हो चुका था इस पर, तो ये देख लो भाई पूरी एक एक एंगल से आप देख पाओगे कितना बढ़िया यहाँ पे काम हुआ है। अपनी स्पॉइलर के पास देख पाओगे ये अपना जो है शार्क फिन एंटीना पूरा खोल के इंस्टॉलेशन हुई थी, किस तरीके की रहती है। रूफ रेल्स इस मॉडल में नहीं आते हैं, तो भाई ने कुछ चमत्कार करा इसमें, फर्स्ट टाइम इन इंडिया पूरा जो रूफ रेल नट बोल्ट वाला है सारा इंस्टॉल हमने करेगा, पूरा नट के थ्रू जो लगते हैं भाई दिखाओ एक बारी पलटो, ठीक है भाई यहाँ से जितने भी होते हैं नट बोल्ट वाला ओरिजिनल रूफ रेल, ये देखो यहाँ रूफ में होल हुआ है, ठीक है भाई, लगा दे रहे ये एक होल है, और कितने होल हुए इसमें? 5 एक साइड पे हुए ना? पांच हुए एक साइड पे, ये रहा दूसरा, और इसी तरीके से भाई आगे भी है, मतलब उसके बाद भाई अब जो है नीचे से कसेंगे। हाँ इसको प्रॉपर नीचे से कसेंगे, ठीक है भाई। इस तरीके से जो है अपनी लग गई है, मेटल की है वैसे ही है क्योंकि ओरिजिनल है, जेन्युइन है और महंगी भी है। चिपकने वाली भी आती है? चिपकने वाली भी आती है, लेकिन चिपकने वाली चलेगी 2 साल, चलेगी 3 साल, चल जाएगी। हाँ बार बार टेप लग रही है, ओरिजिनल लॉन्ग लाइफ है, जब तक गाड़ी है तब तक चलेगी। अभी इसका स्टीयरिंग रैप आया नहीं है,
बाकी आप देख पाओगे कि भाई बाकी पैकिंग हो चुकी है, एम्बिएंट लाइट जो है वो हमारी रेडी हो चुकी है, उस साइड लग गई है। अभी रूफ पैकिंग भी करेंगे, जब इसके स्क्रूज लग जाएंगे तो रूफ पैकिंग भी हो जाएगी, स्क्रूज लगने के बाद पूरा जो है कंप्लीट हो जाएगी गाड़ी। ये साइड एयरबैग्स आप देख पा रहे हो, इसके अंदर जो है एयरबैग्स है। सो भाई यहाँ देख लो, ये ओरिजिनल क्रोम ये होती है भाई जो रिप्लेसमेंट में आती है। ये हमने पूरी की पूरी विद हड्डी जितना होता है पूरा सामान निकाल दिया। ये देख लो ओरिजिनल ये पड़ी है हमारे पास, ये क्रोम लाइन में सारी ओरिजिनल पड़ी है। ये भी हम इसमें इंस्टॉल कर रहे हैं, एक पीस हमने कर दिया, एक पीस के बाद दूसरा पीस यहाँ करेंगे। सो भाई गाड़ी का काम कंप्लीट हो चुका है, अभी आप लोगों को मैं दिखाता हूँ कि भाई कैसे जो है बूट लेगी हमारी जब एम्बिएंट लाइट स्टार्ट होगी। ये देखो एक बार ही आप, ये जो है भाई स्टार्ट हो रही है यहाँ पे, और ये देखो भाई पूरी थीम देखो किस तरीके से आ रही है, पूरी फ्लोटिंग के अंदर। K4 सीरीज़ का मज़ा जो है ना वो यही है पूरा। देखो भाई डैशबोर्ड ये किस तरीके से भाई पूरा लाइनअप आता है इसका। अब इसके बाद जो है, इसके बाद आपके सारे मोड्स हैं आपके एप्लीकेशन के अंदर, टन्स ऑफ मोड है, आप उसके अंदर कुछ सिलेक्ट कर सकते हैं, कुछ चेंज कर सकते हैं। एज ऑफ नाउ जो कलर जो भैया करके गए थे वो वाइट करके गए थे, तो इस तरीके से भी यहाँ फिटेड है। अब चलते हैं भाई मेन चीज़ के ऊपर कि क्या क्या हम लोगों ने इंस्टॉल करा है। स्टार्ट करते हैं भाई बाहर की साइड से। अब ये जो है भाई ये हमारा आता है ऑलरेडी हाइब्रिड मॉडल है और इसके अंदर ऑटोमेटिक है, तो हेडलाइट के अंदर जो है LED कंपनी फिटेड इंस्टॉल आती है। यहाँ से देख पाओगे आप सामने की साइड से, पर ब्राइटनेस उतनी ज़्यादा नहीं है भाई जितनी हम लगाते हैं ना 130 वॉट के अंदर, तो उस तरीके की ब्राइटनेस आपको इसके अंदर नहीं मिलेगी, लेकिन है ठीक ठाक है, काम चल जाएगा आप लोगों का। यहाँ जो है हमने क्रोम इंस्टॉल करा फ्रंट साइड पर और ब्लैक पट्टी इंस्टॉल करी है भाई नीचे, जो हम करते हैं हर गाड़ी के अंदर। तो ये तो भाई फ्रंट की बात हो गई, साइड में आते हैं तो भाई साइड में हमने साइड बिटिंग इंस्टॉल करी है, नीचे देख पाओगे क्रोम लाइन वाली, और ये जो है हमने वो रोज़ गोल्ड क्रोम करी है जो 3400 की आती है वो वाली हमने इंस्टॉल करी है। विंडो लोअर गार्डनेस जो है इस वेरिएंट में आती है, हमारे पास एक विटारा इसके पीछे जो वो लगी हुई है, एक ये विटारा है, एक वो जो है हाईलाइटर, उसमें हमने लोअर गार्डनेस ओरिजिनल इंस्टॉल करी है, वो मैं आपको दिखा दूंगा। यहाँ देख लो ये भी मिट्टी की वजह से भाई थोड़ा डस्ट हो चुका है, लेकिन ओरिजिनल डोर वाइजर जो कंपनी फिटेड आता है भाई वो इंस्टॉल करा है। नट वाली हमारी रूफ रैप इंस्टॉल करी है, रूफ रैप आप लोग देख चुके हो भाई किस तरीके से किया जाता है, यहाँ पे पूरा H2H आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा, कंपनी फिटेड क्वालिटी मिलेगी भाई, ग्लॉसी मिलेगा, नट वाले रूफ रेल मिलेंगे भाई आप लोगों को। बैक साइड पर आप लोगों को दिखाता हूँ भाई क्या कुछ डिफरेंट है, 20% डिस्काउंट पर आप लोगों को अलॉय व्हील देखने के लिए मिलेगा। बैक साइड पे आते हैं तो बैक साइड पे ऐसा कुछ भी नहीं है भाई इसके अंदर, जो इसका हाफ स्पॉइलर है, हाफ स्पॉइलर जो है हमने रूफ रैप करा इसके अंदर, ठीक है हाफ स्पॉइलर हो चुका है। अंदर की साइड चलते हैं तो सबसे पहले भाई रूफ दिखाता हूँ। अभी तक आप लोगों ने खुली हुई गाड़ी देखी थी भाई, डैम्पिंग जब चल रही थी इस समय आप लोग देख पाओगे भाई किस तरीके से पूरी रूफ जो है वो पैक हो चुकी है, जितने बटन एंड लॉक होते हैं भाई वो सारे वापस लगा दिए जाते हैं ताकि आपके फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना आए रूफ लाइनर के अंदर। इधर से आपके हैंडल, अपने रीडिंग लाइट, अपने बीच के जो बटन्स होते हैं सारे हमने एज इट इज़ लगा दिए। पिलर के यहाँ पे फिटमेंट देख पाओगे तो फिटमेंट में कोई इशू नहीं है, लेकिन रूफ डैम्पिंग करने का बेनिफिट ये है, आप अंदर से आवाज़ सुनना, मैं ऊपर से बजाऊंगा, अब ऊपर से एक बारी सुन लो। अब इसका बेनिफिट ये है जिस समय भाई बारिश होती है आपकी टिन 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 जो बजती है भाई ऊपर से, वो चीज़ देख पाओगे हर जगह से, कहीं से भी आप रूफ बजा के देख लो कहीं से आप लोगों को भाई वो चीज़ की फील नहीं आएगी, मतलब एक पता रहेगा कि भाई एक सॉलिड बिल्ड क्वालिटी या फिर एक जो है ना भरोसे वाली चीज़ हो जाती है। एम्बिएंट लाइट जो है 3 पीस इंस्टॉल करिए, लाइट आप लोगों ने देख ली भाई वाइट कर दी हम लोगों ने। आगे की साइड आते हैं तो आगे की साइड जो चीज़ हम लोगों को देखने के लिए मिलेगी भाई उसकी बात करते हैं। कप होल्डर में पहली लाइट आपको मिलेगी, उसके अलावा आप लोगों को फुटलाइट देखने के लिए मिलेगी, उसके अलावा आप लोगों को यहाँ पे जो है हमारी अल्ट्रा एम्बिएंट लाइट देखने के लिए मिलेगी। वैसे K4 सीरीज़ है पर भैया ने भी जो है इसको सिंगल कलर पे सेट कर रखा है। इधर आते हैं तो ये ग्लोसी पैनल अगर किसी को बेस मॉडल में लगवाना है तो भाई वो लग जाएगा, ये है बेस मॉडल में किसी को लगवाना वो लग जाएगा। ये हाई राइडर के अंदर हम कर रहे हैं, उसमें आप लोगों को एक आधा सैंपल दिखा दूंगा। यहाँ पे पूरी स्टिचिंग जो है कंपनी फिटेड आती है, ये हम हाई राइडर के अंदर रेडी कर रहे हैं तो उसकी एक अलग से वीडियो आप लोगों को मिलेगी हाई राइडर की, वो भी आप लोग जाके देख सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों को जिगजैग स्टिचिंग में जो कि इसके टॉप मॉडल में भी नहीं आता, जिगजैग के अंदर हमने पूरा स्टीयरिंग रैप करके दिया विद परफोरेशन, विद आपका परफोरेशन एंड ग्रिप वाला मटेरियल, मतलब अगर आप ऐसे ऐसे पकड़ के कहीं भी गाड़ी ले जाना चाहते हो तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आएगी। पैडल शिफ्टर जो है वो कंपनी फिटेड इसके अंदर आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएंगे, बहुत बढ़िया स्टीयरिंग व्हील आप लोगों को जो है वो देखने के लिए मिलता है यहाँ पे, तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से पूरा रेडी किया गया है। और यही था भाई आज की वीडियो के लिए, होपफुली वीडियो आपको पसंद आई है, मेक श्योर लाइक सब्सक्राइब शेयर, मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में। अगर सेम काम कराना चाहते हो तो काउंटिंग कार्ड्स आ सकते हो, डिस्क्रिप्शन में जितनी भी लोकेशन एंड डिटेल है वो सारी चीज़ आप लोगों को मिल जाएगी। देखो भाई भी बजा के चेक कर रहे हैं, तो डिस्क्रिप्शन में जो भी है ना डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। कॉल नहीं उठा पाते आप लोग डायरेक्टली आ जाओ हमारे पास अपनी विटारा लेके, हम पूरा काम जो आप लोगों को टॉप मॉडल वाला बना के दे देंगे। और अगर आप लोग कॉल करके आते हैं तो कॉल करके भी बुकिंग करा के आप लोग आ सकते हैं। होपफुली वीडियो पसंद आई है, मेक श्योर लाइक सब्सक्राइब शेयर, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में।